साथ एक आर्गुमेंट होंगे और जो भी पैसा होगा आज हो जाएगा। तो आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ? अच्छा जी, जैसे कि आप सबके इल्म में है कि आज बेल कैंसिलेशन के हवाले से सिलसिला था। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे द डे वी फाइल्ड द एप्लीकेशन जिब्रान साहब ने इसमें आर्गुमेंट किए थे। देयर आफ्टर अदर साइड ने कॉपी रिसीव की और आज के लिए रखा गया इस केस को कि आज ही चला के इसमें डिसीजन दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द कंटेंशन द ऑनरेबल कोर्ट प्लेस। उस दिन आज अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 बजे के लिए कैंसिलेशन ऑफ बेल पे अदर साइड ने आर्गुमेंट्स करने थे और अदर साइड आई, उन्होंने एट लेंथ आर्गुमेंट्स किए। विद दैट दे इवन फाइल्ड एप्लीकेशंस टू द एक्सटेंट के जो पिक्चर है डीपी पे लगी हुई या वॉइस नोट है, वो वेदर वॉइस नोट था या नहीं था इस हवाले से। देन एंड देयर हमने रिसीव करने के बाद यही अपना कंटेंशन रखा कि डेट्स से रिफ्लेक्ट होता है ये चीज़, मुख्तलिफ एप्स आ चुकी हैं जिससे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि कोई पिक्चर थी जो डिलीट हुई है या कोई वॉइस नोट था या डिलीट हुआ, ये सारी चीज़ें। और हमने कैटेगोरिकली ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि टेम्परिंग क्या होती है, हरेसमेंट क्या होता है और क्या उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, एंड फॉलोइंग विद इन दोज कैटेगरीज या क्राइटेरिया हमारी सबमिशन कोर्ट के सामने ये थी कि बेल को कैंसिल होना चाहिए और उसका ऑर्डर आज होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड लर्नेड काउंसिल फ्रॉम द अदर साइड, उनके आर्ग्यूमेंट्स अल्टीमेटली वेरी करते थे हमारे आर्ग्यूमेंट से और उनका कंटेंशन सिर्फ यही था कि ये जो पिक्चर लगी थी उस डेट पे या नहीं लगी थी या ये वॉइस नोट था या नहीं था, क्योंकि वॉइस नोट भेजने के बाद डिलीट किया गया है और रिकवरी एप्स आप सबके इल्म में है कि मौजूद है, जिससे ये एटलीस्ट ये पता चलता है कि किस डेट में कितनी ड्यूरेशन का और क्या आया था, वेदर दैट वॉज अ वॉइस नोट और अ पिक्चर, किस कैपेसिटी में भेजा गया था। देयर इज अ केस सब जुडिस बिफोर द कोर्ट और आप विटनेस है, टेम्परिंग नहीं कर सकते। और जिसको मैसेज या वॉइस नोट भेजा गया है, ही इज कंप्लेनेंट हिमसेल्फ एंड अ विटनेस इन द केस। तो हमारी ये सबमिशन थी कोर्ट के सामने। कोर्ट ने आज ये कहा है जो मेन ट्रायल का केस है उसमें 12 तारीख की डेट देते हुए कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन इस हद तक दी है कि कोर्ट कोशिश करेगी कि आज ही की डेट में ऑर्डर पास कर दे बेल के ऊपर। अच्छा, उस हद तक प्रोग्रेस ये थी कि आईओ नहीं थे मौजूद आज, कोई जाहिद अली मेमन जो है पुलिस की तरफ से आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें ये बताया गया है कि पार्टी पंजाब में है। एज सच कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं दिखाई गई, तो कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड टू दैट एक्सटेंट। उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं प्रोसिक्यूशन को कि वो आईओ को बुलाएं ताकि एक सेटिस्फाइड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आए कि क्या प्रोग्रेस है। बेल में आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी के कम्प्लीट है और एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन आज लेट आवर्स में आ जाए। उसमें कुछ चीजें जो माजी में जो 21 जुलाई के आसपास व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसमें कोई एतराफ किया कि वो भेजे गए थे और आपके नहीं भेजे गए? देखिए जी, वो तो बड़ा ओवरट और ऑब्वियस है कोर्ट के सामने, उसको सिर्फ इस हद तक अदर साइड ने कह के खत्म कर दिया कि नाउ इट इज अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन, उसके बाद का देखा जाएगा। तो ये एडमिटेड फैक्ट है और रिकॉर्ड पे आ चुकी है बातें कि उन्होंने ये चीज मानी है, मगर उसको इस हद तक इनके आर्गुमेंट को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कि भाई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, दैट इज व्हाई जो है आर्ग्यूमेंट उस पर ना करें। उसके बाद बेल ग्रांट होने के बाद कोई अगर उसकी इंफ्रिंजमेंट हुई है, वायोलेशन हुई है, तो उसमें देखा जाएगा। व्हाट्सएप के जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में नहीं होता? बहरहाल हमने तो एफआईए को देन एंड देयर, जब वॉइस नोट आया था हमने तो देन एंड देयर अपनी बोनाफाइडी शो करते हुए वहां पे कंप्लेन भी कर दी और विच इज पेंडिंग, हमें कॉल आनी है, हम रिकॉर्ड जमा करवाएंगे और वॉलंटियरली हमने कोर्ट में भी ये सारी चीजें कह दी थी कि दोनों तरफ से मोबाइल्स लेके आप वेरीफाई करवाएं, मगर अगेन दे हैड ऑब्जेक्शंस एंड इशू टू दैट एक्सटेंट। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप कंपनी जो यूएसए बेस्ड है उनको कहें कि वो वेरीफाई करें, दैट वाज देयर कंटेंशन। जैसे वहां पर भी आर्गुमेंट होते हैं, एक सीनियर वकील जो है अपनी बात को गलत साबित करने के लिए कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम, तो यहां पर भी कसम की आवाजें बाहर तक आ रही है, ये क्या वजह है? देखिए मैं समझता हूं कि ये दिस हैड नथिंग टू डू विद द केस, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर ये बात बहरहाल चली थी कि कसमों तक जिसको टर्न डाउन कर दिया गया था बाय द लर्नेड जज। कोई रिपोर्टिंग के ऊपर भी एतराज है कि यूट्यूब पर जब आप ये करें इस मामले में रिपोर्ट करते हैं तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है कि रिपोर्ट ना किया जाए? बहरहाल अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद द केस, सो आई वोंट कमेंट ऑन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच।